अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। इसके अलावा कुछ शट डाउन का भी रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल बात करेंगे। ये जो भी रिक्वायरमेंट है शट डाउन का, ये जेन्युइन ऑफिस की रिक्वायरमेंट, बहुत बेहतरीन कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करेंगे आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर वीडियो पूरा स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल जानते हैं। और डिटेल इसके पहले आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे कि बार बार मैसेज आ रहा है कंसल्टेंसीज के इश्यूज़ में, तो कंसल्टेंसी के बारे में हमने डिटेल बता रखा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप सिंपली हमें मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए और सही जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए, सही जानकारी देने के लिए। तो चलिए फिर रिक्वायरमेंट स्टार्ट करते हैं पूरी वीडियो, इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल बनेगा। अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ ध्यान से देखने वाली बात यह है, क्यूकॉन कतर शटडाउन का रिक्वायरमेंट आ रहा है और ये रिक्वायरमेंट जेन्युइन रिक्वायरमेंट है। ये ऐसे वैसे कोई कंसल्टेंसी का रिक्वायरमेंट है नहीं, ये शॉर्ट टर्म का रिक्वायरमेंट है। शटडाउन रिक्वायरमेंट इमीडिएटली हायरिंग फॉर द मोबिलाइजेशन मोड ऑफ क्लाइंट इंटरव्यू टेलीफोनिक ईमो एंड स्काइप। तो जो भी ये इंटरव्यू होगा ये आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, ये ईमो के थ्रू हो या फिर स्काइप के हो। तो जब भी आप मेल कर रहे हो तो एक चीज़ में ध्यान देने वाली बात ये है कि आप अपना ईमो, जो नंबर आपका ईमो से जो नंबर एक्टिवेट है जिस नंबर से, वो नंबर को उसमें मेंशन किया करें। सिंपली सीवी में लिख दें ईमो नंबर, स्काइप आईडी भी मेंशन किया करें ताकि इंटरव्यू के वक्त तक कोई दिक्कत ना हो। तो रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे फीटर का रिक्वायरमेंट है। फीटर कौन सा, ट्रे फीटर का रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चरल फीटर का रिक्वायरमेंट है। मस्ट कम से कम आपके पास तकरीबन आईटीआई होना चाहिए, 3 शटडाउन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ कंपनी का रिक्वायर्ड क्या है, किस चीज़ के रिक्वायरमेंट और क्या कंडीशन है, ये कंडीशन होना चाहिए। अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं है तो आप मेल करेंगे तो फिर रिप्लाई आएगा नहीं, फिर बाद में आप बोलेंगे ये होता है, वैसा होता है, वैसा होता, रिप्लाई आता नहीं है बराबर। तो इसमें क्या करना होगा, आपको 3 शटडाउन का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस आईटीआई होना चाहिए और ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी फील्ड में काम किया हुआ बंदा होना चाहिए। अगर आपने काम किया हुआ, आपको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है। ये देखें, सारा कुछ ऑनलाइन ही होने वाला है, ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जेरी बर्गीज़ का रिक्वायरमेंट है, 100% टॉप कॉन्सल्टेंस में इसका नाम आता है। तो यहाँ पे आप सिंपली अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए करना क्या है यहाँ पे, तो यह देखें नियर बाई सिटी मुंबई, चेन्नई प्लस कोची और यहाँ पे बड़ौदा का नंबर मेंशन किया हुआ प्लस एड्रेस मेंशन किया हुआ। तो ये यहाँ पे ये कॉन्सल्टेंसी अवेलेबल है, यहाँ आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। सकता है इंशाल्लाह आपके लिए जॉब बेहतर हो। ये 100% जेन्युइन और रियल कॉन्सल्टेंसी है, इसमें भरोसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बहरेन का रिक्वायरमेंट आ रहा है, इसके बारे में डिटेल्स अगर बात करने की कोशिश करें तो ये बहरेन का रिक्वायरमेंट है। ये कॉन्सल्टेंसी कौन सी है, तो कॉन्सल्टेंसी ये सिगुल है अपना, जैसे कि पता है हमने पहले ही बताया कि सिगुल टॉप कॉन्सल्टेंसी में इसका भी एक नाम आता है, सिगुल कॉन्सल्टेंसी है, बहुत अच्छी बेहतरीन कॉन्सल्टेंसी। तो इसमें जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जॉब कोड मेंशन किया, जॉब कोड जरूर मेंशन किया करें इसमें। मेल में सब्जेक्ट में अपना पोस्ट लिखे प्लस यहाँ पे जॉब कोड मेंशन करें। यहाँ अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी बहरेन का रिक्वायरमेंट है ये। तो बात करते हैं पोस्ट की, कौन सी पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। यहाँ सुपर ट्रक देखें, यहाँ पे सुपर सकर वेकम ट्रकर ऑपरेटर एंड ड्राइवर का रिक्वायरमेंट है। इसमें कंडीशन क्या है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कंडीशन मेंशन शुड हैव मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वैलिड जीसीसी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। इसमें एट्रैक्टिव सैलरी है, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से है। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी है इसमें सीवी अपना सेंड करें, यहाँ पे मेल आईडी मेंशन किया हुआ है, सिंपली मेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वारीज होता है इस नंबर पे कॉल करें, इस नंबर पे फिर से एक बार बता रहे, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वारीज हो आपकी तो इस नंबर पे कॉल करें और डाउट जो भी है आप क्लियर करें। ऑफिस का यहाँ एड्रेस मेंशन किया हुआ, सिंपली आप मेल कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो। कुछ और रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। यूएई का कुछ रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। होटल इंडस्ट्रीज़ का ये रिक्वायरमेंट है, बहुत से फ्रेंड मैसेज करते हैं हमारे, कहते हैं होटल इंडस्ट्री कुछ है तो बताइए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर द कैटरिंग कंपनी इन शारजा यूएई का ये रिक्वायरमेंट है, शारजा का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे होटल इंडस्ट्रीज़ का है। तो पोस्ट कौन सी है, तो कुक का ये रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखें कौन सा कुक है, क्या है, वही बता देते हैं आपको। कुक का रिक्वायरमेंट शुड हैव 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग साउथ इंडियन डिश में, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए साउथ इंडियन डिश, यहाँ पे मेंशन किया हुआ, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। और कैंडिडेट फ्रॉम केरल तमिलनाडु प्रीफर्ड, अगर बंदा केरल और तमिलनाडु से तो उसको पहले प्रीफर्ड किया जाएगा। तो अगर बंदा है तो इसमें मेल करें, मेल आईडी मेंशन किया हुआ, कोई डाउट्स को भी क्वारीज है तो सिंपली कॉल कर सकते हैं। इंटरेस्टेड जितना भी कैंडिडेट है वो अपना अपडेटेड पासपोर्ट कॉपी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेल के थ्रू भेजे फोटो के साथ में। और यहाँ पे कंसल्टेंसी की बात करें तो एमजी वाला ग्लोबल बहुत अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी है, जेन्युइन 100% कंसल्टेंसी, पर्सनली हम ही नहीं जानते, बहुत अच्छी कंसल्टेंसी है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह जॉब आपके लिए बेहतर साबित हो।
कुछ और भी रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह उसके बारे में डिटेल बात करने की कोशिश करेंगे हम। लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स का रिक्वायरमेंट यहाँ पे कुछ आ रहा है कुछ फील्ड्स का, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इंडिया की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया ब्लड बैंक इंस्ट्रूमेंट डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट, फील्ड सर्विस मैनेजर का रिक्वायरमेंट, ट्रेडिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अगर बंदे इंटरेस्टेड है तो मेल आईडी मेंशन करें और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन, कोई भी डाउट्स को भी क्वेरी सिंपली मेल कर सकते हैं यहाँ पे। और बात करें कंसल्टेंसी, तो ये अब्रॉड में काम दिलाती है, तो इंडिया तो इसके बायां तक खेले, बहुत अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी है, इसे भरोसा कर सकते हैं। यूएई का कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, इंशाल्लाह क्लियर बात करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है आप तक वीडियो इन्फॉर्मेशन सही पहुँचे। यहाँ पे देखें अर्जेंटली रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है फॉर द स्टील फैब्रिकेशन कंपनी इन यूएई में, कुछ स्टील फैब्रिकेशन कंपनी है जिसकी रिक्वायरमेंट आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट की पोस्ट की बात करें तो QHSE इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, सेल्स इंजीनियर का रिक्वायरमेंट। तो इसमें चाहिए कम से कम आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस तो होना चाहिए, BE होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर में 8 से 10 साल का तकरीबन तजुर्बा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए फैब्रिकेशन और विसिल पाइपिंग स्ट्रक्चरल, और गल्फ एक्सपीरियंस वाले को प्रीफर किया जाएगा। फ्रेशर का चांस इसमें कम है, तो फ्रेशर इसमें ट्राई ना करें, कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं। तो मेल आईडी मेंशन किया मेल कर सकते हैं, अगर आप रिटर्नर हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया, कोई डाउट्स को भी क्लियर कॉल कर सकते हैं। और UAE का भी कुछ कॉन्टैक्ट UAE का देखें यहाँ पे UAE का कॉन्टैक्ट नंबर है, इंडिया का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई डाउट्स को भी क्वारी क्लियर कर सकते हैं। बात करें कंसल्टेंसी की, तो MGU वाला ग्लोबल बहुत अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी है, बहुत बंदे इसके जितने भी एम्प्लॉयर बहुत ही हेल्पफुल नेचर के, तो बहुत अच्छी साबित होती है ये कंसल्टेंसी, हो सकता है आपके लिए बेहतर साबित हो, तो इसमें अप्लाई करें, बिल्कुल देर ना करें। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट निकल कर रहा है UAE का, ये रिक्वायरमेंट कुछ खास रिक्वायरमेंट है, खास क्यों है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। खास ये रिक्वायरमेंट इसलिए है कि ये CV देखें, UAE CV रिक्वायर फॉर द टेंडरिंग पर्पस, मिनिमम 3 शटडाउन का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, 5 साल का गल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो इसमें अप्लाई करें, 100% जेन्युइन कंसल्टेंसी है इसके बारे में, तो हम मतलब जो आप कहें वो पूरा 100% है ये। TA मैनेजर का रिक्वायरमेंट, DY TA मैनेजर का, प्लानिंग मैनेजर का, प्लान एंड सर्जिकल मैनेजर का रिक्वायरमेंट, प्लानर का रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी सुपरवाइजर, QA QC मैनेजर एंड मटेरियल इंचार्ज, मटेरियल कंट्रोलर, सब कॉन्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेटर, एडमिन इंचार्ज, एडमिन सुपरवाइजर, परमिट कोऑर्डिनेटर, रिगिंग इंचार्ज का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और रिगिंग सुपरवाइजर का भी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, रिगिंग सुपरवाइजर का भी रिक्वायरमेंट है, यूनिट इंचार्ज का रिक्वायरमेंट, मैकेनिकल सुपरवाइजर, फैब्रिकेटर इंचार्ज, फैब्रिकेशन सुपरवाइजर, कैटलिस्ट इंचार्ज एंड कैटलिस्ट सुपरवाइजर, हाइड्रोजेट इंचार्ज का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, QC इंचार्ज, QA इंस्पेक्टर, जॉइंट इंटीग्रेट कोड, HSE मैनेजर का रिक्वायर, HSE DY मैनेजर एंड HSE ट्रेनर का, HSE इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट है, HSE ऑफिसर का भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और बोल्ट टेंशनिंग सुपरवाइजर का, हाइड्रोजेट सुपरवाइजर का भी रिक्वायरमेंट है। ये जो भी रिक्वायरमेंट है 100% जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, ये योगी एसोसिएट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है। योगी हमने पहले भी अपने कई सारे वीडियो में बता रखा है, और स्पेशली प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, शटडाउन का कंसल्टेंसी कौन सा है मुंबई के अंदर अवेलेबल वो भी आपको बताया गया, तो इसमें योगी का भी नाम आता है, बहुत बेहतरीन अच्छी कंसल्टेंसी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसे मेल कर लें, सिंपली अप्लाई कर लो। ये तो ऐसा भी इसका केस आया, ये एक हफ्ते में भी फ्लाइट करा देती है, 15 दिन में फ्लाइट कराती है शटडाउन का, ये इतनी बेहतरीन कंसल्टेंसी है, तो हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो, तो इसमें अप्लाई करें, बिल्कुल देर ना करें। कुछ रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है कतर का, कतर के रिक्वायरमेंट के बारे में इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। पर ये डायनेमिक की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, ये जॉब इन कतर लॉन्ग टर्म का रिक्वायरमेंट है। पोजीशन देखें, मेल क्लीनर एंड टी बॉय का रिक्वायरमेंट है, यहाँ 15 और 9 चाहिए। सैलरी इसमें कम है मेंशन किया हुआ, फिर भी 1000+300 फूड के लिए होगा, 1300+300 फूड के लिए होगा ये रिक्वायरमेंट, ये लॉन्ग टर्म का रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट डायनेमिक की तरफ से पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से रीड कर ले, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें मेंशन किया हुआ ये रीड कर ले, अगर आप एलिजिबल है तो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मेल आईडी मेंशन किया हुआ, मेल आईडी भी मेल कर दे, कोई भी डाउट्स को भी क्वारीज हो तो सिंपली कॉल कर सकते हैं। नियर बाय आपके सिटी कॉल नंबर दिया, अपने सिटी के नियर बाय देख के आप कॉल कर सकते हैं, और कंसल्टेंसी भरोसा कर सकते हैं, भरोसेमंद कंसल्टेंसी, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए ये बेहतर साबित हो, अच्छी साबित हो। हायरिंग फॉर UK का कुछ रिक्वायरमेंट निकल गया है, UK का जो ये रिक्वायरमेंट है ये भी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, 100% जेन्युइन है, ऐसा फेक हुई रिक्वायरमेंट है नहीं ये UK का। और ये आप पूछते हैं कि UK का गल्फ का कुछ मतलब UK का यूरोप का कंसल्टेंसी बताओ, तो भाई ये भी एक कंसल्टेंसी, इसमें का भी रिक्वायरमेंट आता है, ऐसा कोई एक परफेक्ट एग्जैक्ट कोई रिक्वायर कंसल्टेंसी है नहीं। तो हायरिंग रजिस्ट्रेशन नर्स फॉर UK प्राइवेट हॉस्पिटल का ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट देख लें आप, अगर आप नर्स फील्ड से मेडिकल फील्ड से तो सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। और कुछ बात करें UAE का कुछ और रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिटेल बात करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह।
यहाँ पे देखा अर्जेंटली रिक्वायरमेंट फॉर द लीडिंग ग्रुप कंपनी यूएई, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का डेट मेंशन किया हुआ है 21 तारीख को सैटरडे, और ये रामनाथम पुरम में इंटरव्यू हो रहा है, यानी चेन्नई में। एक्सपेक्टेड सैलरी है, ड्यूटी टाइम मील्स है, रूम अटेंडेंस का रिक्वायरमेंट है, 100 बंदे चाहिए, सैलरी 1000 है, प्लस ड्यूटी टाइम मील्स दिया जाएगा उसका। आपके बाद ना बाकी का खाना आपके घर में खाना, अपने रूम में बनाया खाना होगा, ऐसा कुछ है। और सेल एज लिमिट दिया है 20 से 40 साल, स्मार्ट लुकिंग, बेसिक इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल प्रोवाइडेड बाई कंपनी की तरफ से रहेगा, और सोलर एचआर की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट जो भी है जेन्युइन रिक्वायरमेंट, अगर ऐसे कुछ बंदे हैं इसमें तो अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं अगर तो। यहाँ पे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिया हुआ, मेल आईडी मेंशन किया हुआ, मेल आईडी मेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वारीज है तो सिंपली कॉल कर सकते हैं। और यहाँ देखें रामनाथमपुरम का ये नंबर भी दिया हुआ है, ये कोड है, वह कोड से आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं गूगल में कहाँ पर है। ऑपोजिट बस स्टैंड रामनगर बस स्टॉप के पास है, ऑपोजिट रामनगर बस स्टॉप के सामने। बाकी कोई भी डाउट्स, कोई एड्रेस पहुंचने में अगर दिक्कत है तो आपको यहाँ पे सिंपली फ़ोन नंबर दिया है, फ़ोन नंबर से फ़ोन करके पहुंच सकते हैं वहाँ पे। हो सकता है आपके लिए ये बेहतर साबित हो, कंसल्टेंसी बहुत ही अच्छी, इसमें भरोसा कर सकते हैं। अब कुछ बात करें सब कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट की। सब कंसल्टेंसी क्यों बात करते हैं, इसलिए बात करते हैं कि सब कंसल्टेंसी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कहें कि यार रिक्वायरमेंट आया मगर आप बताए नहीं, ये रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट। तो यहाँ देखें रिक्वायरमेंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क LLC दुबई का रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है। क्लाइंट इंटरव्यू का भी देखिए रिक्वायरमेंट, ये जो है सब ठीक ठाक है। रोलेक्स तो अच्छी ट्रैवल से ये नहीं कह रहा है, बट यहाँ पे कुछ सब कंसल्टेंसी का नाम है, तो यहाँ पे ये आपको अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो थोड़ा आपको सतर्क होना पड़ेगा, थोड़ा छानबीन करना पड़ेगा। अब तो हो सकता है बेहतर हो या ना हो ये कहा नहीं जा सकता। कुछ और ओमान का भी कुछ और रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भी रोलेक्स की ही रिक्वायरमेंट है, ओमान का रिक्वायरमेंट है, सेम कंडीशन है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये रोलेक्स का डायरेक्ट रोलेक्स है, बट इनडायरेक्ट यहाँ पे सब कंसल्टेंसी कुछ है, जमशेदपुर टाटा झारखंड का। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार आप सोच समझ लें, अच्छी तरह समझ के इसमें बाद में फिर अप्लाई करें तो हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो। सऊदी अरब का कुछ रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, अकाउंटेंट्स का रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे ओनली कैंडिडेट अवेलेबल इन सऊदी अरब ट्रांसफर अकामा वेलकम टू अप्लाई। अगर आप ट्रांसफर अकामा है आपका सऊदी में है, अगर आप ट्रांसफर अकामा का फैसिलिटीज़ है आपके पास तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ वहीं से वहीं ज्वाइन कर सकते हैं। आपको NOC वगैरह जो भी ये कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं, यहाँ पे नंबर दिया हो, सिंपली आप नंबर से कॉन्टैक्ट कर लें। यहाँ पे मेल आई डी मैंशन किया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना रिज्यूम बायोडाटा जो भी अपडेट करके मेल कर दें, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो। कंसल्टेंसी तो बहुत अच्छी है, भरोसेमंद है, इसमें भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में अगर बात कर ले तो ये रिक्वायरमेंट FG वाले की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है। ये भी वो रिक्वायरमेंट है जो बंदे अगर सऊदी के अंदर अवेलेबल है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस मैनेजमेंट फायर एंड सऊदी यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है। पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप सिंपली रीड कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके रीड कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे FG की बात करें तो बहुत अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद है, इसमें भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए जॉब ये बेहतर साबित हो गया है। कुछ ओमान का रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन कंसल्टेंसी का रिक्वायरमेंट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये ओमान का रिक्वायरमेंट ऑयल एंड गैस शटडाउन प्रोजेक्ट का ये रिक्वायरमेंट, असिस्टेंट टेक्नीशियन मैकेनिकल में चाहिए। कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। लो लार्ज इंडस्ट्री शटडाउन जॉब का ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें मेल कर दें, मेल आईडी मेंशन किया। सिंकलेस की बात करें तो बहुत अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी है, भरोसेमंद है, इसमें 100% भरोसा कर सकते हो। सकता है इंशाल्लाह आपके लिए जॉब ये बेहतर साबित हो गया है। और कुछ रिक्वायरमेंट UAE का रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, तो ये रिक्वायरमेंट कैसा है, ये चंडीगढ़ का ऑफिस का हिसाब किताब है। तो ये देखिए भाई साहब, एक भाई हमारे चंडीगढ़ से आए हुए थे तो बहुत ही पछता रहे हैं यहाँ पे आके, वहाँ तो कुछ सैलरी कुछ और बताया था, यहाँ भी कुछ और है, तो फंसे हुए हैं अगर मिला जुला कहा जाए तो। फिर भी आप अगर इस सिबा कंसल्टेंसी भरोसा करना चाहते तो अपने रिस्क पर आप करें, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास कुछ आइडिया नहीं है। दुबई का भी कुछ रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, दुबई का जो रिक्वायरमेंट है ये कैसा रिक्वायरमेंट, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये भी रिक्वायरमेंट चंडीगढ़ का सिबा कंसल्टेंसी का है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ऐसा कुछ शो नहीं किया, और नेट पे भी हमने क्रॉस चेक करने की कोशिश की मगर कुछ ऐसा खास मिला नहीं। तो इसमें भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करें, मगर अपने रिस्क पर आप इसमें अप्लाई करें। और समद के बारे में बात करें, समद का कंसल्टेंसी का रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है। कुछ मैसेज भी हमारे पास आया था कि समद कंसल्टेंसी कैसी है, तो समद कंसल्टेंसी बहुत अच्छी है। बहरेन का रिक्वायरमेंट है, ऑयल एंड गैस का रिक्वायरमेंट, क्लाइंट इंटरव्यू देखिए 23 और 24 को हो रहा है। मदुरई त्रिचूरी, मदुरई एक बताता है, चेन्नई में मदुरई है, बहुत अच्छी जगह है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में। तो वहाँ पर अगर आप हैं तो सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। जनरल लेबर का रिक्वायरमेंट है, हेल्पर का रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे सिविल और मैकेनिकल दोनों काम के लिए। तो 1000 BD सैलरी है, प्लस ओवर टाइम है, और मिनिमम 8वीं पास बंदा होना चाहिए, ECRO या ECNRO कोई भी हो चलेगा। तो एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइडेड कंपनी है। फूड का इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो फूड का आप बात कर ले अच्छी तरह से, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली इसमें। और मेल आईडी मेंशन किया, मेल आईडी मेल कर सकते, कोई भी डाउट्स को भी कह सिंपली कॉन्टैक्ट कर ले, बात कर ले। और समत की बात करें तो बहुत अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी, से भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए ये बेहतर साबित हो गया है।
तो ये था हमारा अब तक का पूरा रिक्वायरमेंट। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली बार हमारे चैनल विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ कमेंट्स, कुछ डाउट्स है जिसके बारे में बात करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी जो भी डाउट्स है उसे क्लियर करने के लिए। चलिए फिर वीडियो के एंड तक बने रहिए कमेंट्स और अपनी क्वारीज जानने के लिए। तो यहाँ पे कमेंट्स कुछ निकल के आ रहा है, यहाँ पे है शुभम विश्वकर्म, तो आई एम लुकिंग फॉर बैक ऑफिस जॉब, वुड यू अब्रॉड, कैन यू हेल्प मी बिकॉज आई डोंट। बॉस, बैक ऑफिस जॉब के लिए आपका रिक्वायरमेंट जो भी है वीडियो पर टोटली मेंशन किया जाता है, तो आप एक बार ध्यान से वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा जॉब आपका। और गौस आजम लिखते हैं, अहद इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के बारे में बताइए। अहद अच्छी कंसल्टेंसी है, आप देखें कंसल्टेंसी एक बार, हम जो कह दिए ऐसे नहीं 100% एकदम आप उसी भी भरोसा कर लें, आप खुद से भी एक बार विजिट करके क्वेरीज करें एक बार। और हुसैन सर लिखते हैं, सर डक्टिंग सुपरवाइजर वैकेंसी अवेलेबल, वैकेंसीज बहुत सारी डक्टिंग का पीछे गई है, कितनी सारी वैकेंसीज, आप कहाँ थे, लेट कर दिए, हो सकता है वीडियो नहीं देखेंगे, तो अगर वीडियो नहीं देखें तो देख लें एक बार, अगर वैलिड है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे शुभम लिखते हैं भोजपुरी वर्ल्ड से, थैंक यू बट आई एम लुकिंग फॉर बैकअप जॉब, मैंने बताया ना आपको बैकअप जॉब के लिए, आप देख लें एक बार। गौस आजम लिखते हैं, दिल्ली वाला ऑफिस वाला ही बता रहे हैं कि मुंबई में ब्रांच है, इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रिकल फीटर का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है, बहुत सारा रिक्वायरमेंट था, आप मिस कर गए होंगे हो सकता है, तो पिछली वीडियो में देख लें एक बार। नेशनल इंडियन ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच जी नेशनल इंडियन, बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए भाई। यहाँ पे लिखते हैं शरीफ शेख कि भाई यूरोप के ऑफिस का एड्रेस दो, यूरोप का ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा, ठीक बेफिक्र रहिए। मिथिलेश कुमार जी लिखते हैं, गुड, थैंक यू वेरी मच मिथिलेश कुमार जी। भाई दिल्ली का 7-स्टार बिजनेस सॉल्यूशन कैसा है, बहुत अच्छी ऑफिस है दिल्ली का, इससे भरोसा कर सकते हैं आप। और VMC लिखते हैं, सर इलेक्ट्रिकल जॉब के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा सर, दो बार मारिए पत्थर पे, बस जॉब मिल जाएगा आपको। भाई 1000 बार हम बता चुके हैं कि आप वीडियो को फाउंड कीजिए, वीडियो को देखिए अच्छी तरह, उसमें कंसल्टेंसी का नाम, नंबर, मेल सारा कुछ मेंशन किया हुआ, फिर भी आप उसके बाद भी अगर क्वेश्चन करेंगे क्या करना होगा, तो ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है। और रमेश कमलिया, इन्होंने नंबर दिया तो आपको ऐड कर चुके ग्रुप में, जिसे भी ग्रुप में ऐड होना सिंपली मैसेज करें, आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, इंशाल्लाह आप उसमें ऐड हो जाएंगे। और शाहनवाज शेख लिखते, अस्सलाम वालेकुम भाई, अभी ट्रैवल मैन पावर दिल्ली का कैसा है, भाई पता नहीं अभी ट्रैवल के बारे में, आपको एक बार खुद से पर्सनली विजिट करना होगा, क्वायरीज करनी होगी। ऑल इन वन के वीडियो, दुबई विजिट वीज़ा क्या न्यू रूल, विजिट वीज़ा का नया रूल कुछ ऐसा रूल है, जैसे कि अगर आप विजिट वीज़ा पर आते हैं, दुबई में विजिट वीज़ा पे आते हैं, तो कंपनी आपको, जिस कंपनी के थ्रू आप आते हैं, देखिए वहाँ 2-3 कंडीशन है, दो कंडीशन बताते हैं आपको, एक कंडीशन आप टूरिस्ट पे आते हैं, एक दूसरा कंडीशन आप ट्रेनिंग के पर्पज़ से आते हैं। अगर टूरिस्ट के पर्पज़ से आते हैं तो 2000 दरहम आपके जेब में होना चाहिए, सो मनी, जो कि एयरपोर्ट पर सो मनी करना पड़ेगा, हो सकता है कहीं पूछ दें आपसे, ठीक। दूसरा ट्रेनिंग पर्पज़ से आता है तो जिस कंपनी आपको बुलाएगी वो कंपनी का एक लेटर होगा, वहाँ पर वो सिंपली लिख के देगी, हम इस ट्रेनिंग पर्पज़ से बुला रहे हैं, आने जाने का टिकट देगी, प्लस होटल का 10 दिन का बुकिंग देगी आपको, तो वो सारा पेपर आप लेके यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे कोई पूछेगा तो आपको कहना होगा हम ट्रेनिंग पर्पज़ जा रहे हैं, बिल्डर, फिटर, फैब्रिकेटर, कोई भी मैकेनिकल फील्ड, सिविल, कोई भी फील्ड का हो, अगर आप ट्रेनिंग पर जा रहे हो तो आपको उसी हिसाब से एक लुक में आना पड़ेगा। और ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए आपका, लाइट एंड डार्क, डार्क पैंट, लाइट शर्ट होना चाहिए, इन अंडरस्टिंग होना चाहिए, शूज़ होना चाहिए, पैर पे बेल्ट होना चाहिए, और नॉर्मल ज़्यादा चिक भीक वाला फुल पत्ते वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए, तो इस टाइप का ऐसा है। फिर यहाँ आने के बाद में कंपनी क्या करेगी, आपको कुछ ट्रेनिंग कराना है तो कराएगी, नहीं तो फिर यहाँ से आपको कुछ दिन क्वारंटाइन करेगी, आपको तकरीबन रूल्स यहाँ पे 14 दिन का, लेकिन ये 14 दिन के अंदर में क्या करेंगे, ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपका लगा देंगे, मेडिकल वगैरह, फिंगर वगैरह सारा कुछ करके। तो आप सिम अगर वहाँ से आ रहे हैं तो सिम नहीं खरीदिए, क्योंकि सिम यहाँ पर आपका जब वीज़ा लगेगा, जब फिंगर होगा, उस टाइम यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ड्यू का सिम फ्री मिलेगा आपको, तो सिम नहीं खरीदे तो ज़्यादा बेटर। अंसारी साहिल भाई, अच्छा काम कर रहे हो जॉब भी आप, जो भाई आप अगर पीडीएफ का ऐसा है ना बॉस, पीडीएफ के अभी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से पीडीएफ भी आप अपलोड नहीं कर पा रहे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और पीडीएफ आप तक पहुँचाने के लिए इंशाल्लाह। अंचित केयर नंबर दे रहा, तो नंबर आपका ऐड कर चुके हैं हम, चार्ज कितना रहता है इसका, चार्ज देखिए ऑफिस का चार्ज आपको ऑफिस बताएंगे बराबर, ऑफिस का चार्ज अगर हमसे पूछे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये मतलब सही क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, बैठ नहीं रहा बराबर क्वेश्चन। और राजगीर लिखते हैं, गुड इन्फॉर्मेशन बट फ्रेशर के लिए कुछ बताइए, फ्रेशर के लिए बहुत सा जॉब आता है, फ्रेशर के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक जॉब हम ऐसे मतलब ध्यान में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ आता है तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और सागर लिखते हैं, सर सम्मत कंसल्टेंसी सर्विस कैसी है,
संबंध कॉन्सल्टेंसी कैसी है भाई, आप सो रहे हैं क्या? हमको ये चीज़ समझ में नहीं आता, वीडियो आप देखते क्यों नहीं है? अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर मतलब नहीं है ना क्वेश्चन करने का। अगर आप वीडियो देखने के बाद भी आपको डाउट होता है, जैसे आज की वीडियो में हमने बताया संबंध के बारे में, तो अभी आप नहीं सुने तो फिर हमारी कोई गलती है नहीं इसमें, ठीक है। और जुनेद जियो लिखते हैं, क्या हो रहा है ये लाइन कैस किस लिए? ये लाइन ऐसा है ना, ये अभी हमने पब्लिश किया, तो एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा बता दें आपको, दो मिनट और ले लेंगे आपका, नुकसान करेंगे। ये एक्चुअली ये यूएई से हमने लाइव किया था, अजमान से लाइव इसलिए किया था ना, कुछ बंदे का डाउट था कि भाई आप कहाँ पे हैं, आप यूएई में नहीं हैं, तो इस तरह का डाउट था, इसके लिए हमने ये लाइव किया था कि ये जो है कोविड 19 का टेस्ट है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक टेस्ट होता है, आपका फिंगर वगैरह सारा कुछ हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जब लगेगा तो उस टाइम में आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा कोविड 19 का, तो ये टेस्ट चल रहा था, इसलिए हमने सोचा थोड़ा लाइव करके बंदों को बताएं कि क्या है ना ये पर्पज़। तो ये था अब तक का पूरा आपका रिक्वायरमेंट, पूरा डाउट्स, पूरी क्वायरीज। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पहली बार हमारे चैनल विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं तो सिंपली ऐड होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप अपने हमने पहले बता रखा है, आप अपना नाम और नंबर हमें मैसेज करें, हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सिवान लिखें, नाम और नंबर मैसेज करें, इंशाल्लाह आप तक हम पहुंचाएंगे अपने ग्रुप का लिंक, और उसमें आप ऐड हो सकते हैं या फिर हम उसे ऐड कर लेंगे, जैसा बेटर होगा करेंगे इंशाल्लाह। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें, पहली बार चैनल विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इंशाल्लाह, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।